हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पिज्ज़ा। आज किस पिज्ज़ा को मैंने तवे में बनाया है, आप चाहें तो इसे अवन में भी बना सकती हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप मेरी इस ब्रेड पिज्ज़ा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमेशा की तरह आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे ज़रूर लाइक करें। तो चलिए चलते हैं, आज की इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। ब्रेड पिज्ज़ा बनाने के लिए यहाँ मैंने वाइट ब्रेड लिया है। यहाँ मैंने ब्रेड के 4 स्लाइसेस लिए हैं। आप चाहें तो इसकी जगह ब्राउन ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक मीडियम साइज के प्याज को लंबे स्लाइसों में कट कर लिया है। एक बड़े साइज के शिमला मिर्च को बारीक चॉप किया है। मैंने यहाँ 1/2 कटोरी स्वीट कॉर्न लिया है। मैंने इसे पहले से बॉयल करके रखा है। यहाँ मैंने 1/2 कप पिज्ज़ा सॉस लिया है और यहाँ मैंने चिली फ्लेक्स लिया है। यहाँ मैंने बटर भी लिया है और यहाँ मैंने अमूल चीज़ लिया है। आप चाहें तो आप मोजरेला चीज़ भी यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ब्रेड पिज्ज़ा बनने की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं ब्रेड पिज्ज़ा बनाने की तरफ। मैंने यहाँ एक प्लेट में 4 ब्रेड लिया है। अब ब्रेड में पिज्ज़ा सॉस डालें। ब्रेड के ऊपर सॉस को अच्छे से स्प्रेड करें। सेम प्रोसेस से दूसरे ब्रेड में भी पिज्ज़ा सॉस को स्प्रेड कर लें। तो आप देख सकते हैं दोनों ब्रेड में सॉस अच्छे से स्प्रेड हो चुके हैं। अब ब्रेड के ऊपर डायरेक्टली चीज़ को क्रश करें। आप चाहें तो मोजरेला चीज़ भी यूज कर सकती हैं। तो ये देखिए, मैंने एक ब्रेड में अच्छे से चीज़ ऐड कर दिया है। सेम प्रोसेस से दूसरे ब्रेड में चीज़ क्रश कर लें। तो ये देखें, दूसरे ब्रेड में भी चीज़ अच्छे से क्रश हो चुका है। अब ब्रेड के ऊपर एक एक करके शिमला मिर्च के टुकड़े को रखें। आप चाहें तो सारी भेजीज को एक साथ मिक्स करके ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ एक एक करके ऐड कर रही हूँ। सेम प्रोसेस से दूसरे ब्रेड के ऊपर भी शिमला मिर्च को ऐड करें। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों ब्रेड के ऊपर अच्छे से शिमला मिर्च को ऐड कर लिया है। अब एक एक करके प्याज के स्लाइस को भी ऐड कर दें। दूसरे ब्रेड के ऊपर भी प्याज के स्लाइस को ऐड करें। तो आप देख सकते हैं हमारे दोनों ब्रेड के ऊपर प्याज के स्लाइस ऐड हो चुके हैं। अब इसके ऊपर स्वीट कॉर्न ऐड करें। तो आप देख सकते हैं दोनों ब्रेड के ऊपर स्वीट कॉर्न ऐड हो चुका है। अब दोनों ब्रेड के ऊपर चिली फ्लेक्स ऐड करें। अब चीज़ को क्रश करें। ब्रेड पिज्ज़ा में चीज़ डालने से बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, अच्छे से भर भर के चीज़ ऐड करें। इससे कि आपका पिज्ज़ा बहुत ही टेस्टी बनेगा। सेम प्रोसेस से दूसरे ब्रेड के ऊपर भी चीज़ क्रश करें। तो आप देख सकते हैं गाइस कि हमारे दोनों पिज्ज़ा के ऊपर चीज़ अच्छे से क्रश हो चुका है। अब इसके ऊपर स्वीट कॉर्न की एक लेयर और लगा दें। हमें यहाँ थोड़ा बहुत ही स्वीट कॉर्न ऐड करना है क्योंकि हमने अंदर में और भी स्वीट कॉर्न ऐड किया है, और ऊपर में एक लेयर शिमला मिर्च की भी ऐड कर दें। कुछ प्याज के स्लाइसेस भी ऐड करें। सेम प्रोसेस से दूसरे पिज्जे के ऊपर भी स्वीट कॉर्न ऐड करें। शिमला मिर्च भी ऐड करें। आपको पिज्ज़ा के ऊपर एक एक करके भेजीज डालना नहीं है पसंद, तो आप सारे भेजीज को मिक्स करके भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा ब्रेड पिज्ज़ा रेडी हो चुका है। अब चलते हैं इसे पकाने की ओर। गैस ऑन करें और तवे को रखें। गैस का फ्लेम एकदम लो होना चाहिए। इसे पकाने का टेक्निक देखें। अब तवे के ऊपर बटर लगाएं। तवे के ऊपर बटर को अच्छे से ग्रीस कर लें। तवे के ऊपर बटर मेल्ट हो चुका है, अब गैस ऑफ कर दें।
अब हमारा तवा ठंडा हो चुका है तो पिज्जा को एक एक करके तवे के ऊपर रख दें। दूसरे पिज्जे को भी रख दें। अब दोबारा गैस ऑन करें और फ्लेम को एकदम लो कर दें। अब पैन का ढक्कन कवर कर दें और इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने दें। ये देखिए हमारा पिज्जा एकदम लो फ्लेम पे ही पक रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये देखो गाइस, हमारा ब्रेड पिज्जा बनके रेडी हो चुका है। पैन का ढक्कन हटा दें और गैस ऑफ कर दें। तो आप देख सकते हैं हमारा चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं गाइस कि हमारा ब्रेड पिज्जा बनके एकदम रेडी हो चुका है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लें। तो यहाँ मैंने दोनों ब्रेड पिज्जा को प्लेट में निकाल लिया है। अब इस ब्रेड पिज्जा के ऊपर थोड़ा थोड़ा चिली फ्लेक्स ऐड कर दें। तो मैं यहाँ एक ब्रेड पिज्जा को बीच से कट कर लूँगी। तो ये देखें, इसे मैंने बीच से कट कर लिया है। और हमेशा की तरह आज की मेरे ब्रेड पिज्जा की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बगल में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आज की मेरी ब्रेड पिज्जा की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इस रेसिपी को आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और अपना अनुभव हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और मेरी वीडियो को फ्रेंड और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो आप देख सकती हो गाइस कि हमारा ब्रेड पिज्ज़ा दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है। ये दिखने में जितना टेस्टी है उतना खाने में भी है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो ये लो गाइस, ब्रेड पिज्ज़ा आप लोग भी खा लो।